हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर ब्यूटी एंड टिप्स। तो गाइस, आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ। मेरी तबीयत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब होकर रखी थी 1 वीक से, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ना ही वीडियोस और ना ही अपना जॉब कंटिन्यू कर पाई। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ये रेड कलर का एक कॉटन सिल्क साड़ी है, इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का ये एल्बो स्लीव्स ब्लाउज पेयर अप किया है और इसको मैंने थोड़ा मॉडर्न वे से ड्रेपिंग किया है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक की कर दीजिएगा वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये राइट साइड से मैंने टकिंग स्टार्ट किया अपना और घुमा के मैं ले के आऊँगी सामने में। और आज मैंने ज्वेलरी में एक बड़े वाले झुमके पहना है और चूड़िया पहनी है और गले में नहीं डाला है कुछ फॉर द आउटस्टैंडिंग लुक। तो आई होप कि ये लुक मुझको अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने टकिंग कर लिया अपना, जो फर्स्ट राउंड का टकिंग होता है मैंने वो टकिंग कर लिया है और इसके बाद मुझको घुमा के इसका पल्लू बनाना है। तो इसका पल्लू के लिए पहले मुझको इसका 3 फिंगर की मदद से इसका जो लेंथ का है उसको बना लेना है। इसके बाद अपना हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ लेना है पल्लू का, मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। इसके बाद अपना जो बॉर्डर है इसको लेकर इसको घुमा के सामने में लेके आना है, सामने में लेके आना है और साइड से बॉर्डर से अपना जो साइड वाला पोर्शन है उसको ढक देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पिन कर रही हूँ, ये पिन ज़्यादा सामने में लेके आके नहीं कर रही हूँ मैं, एकदम ऊपर ऊपर कर रही हूँ ताकि प्लीट्स अच्छे से बने, क्योंकि साड़ी का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और 3 फिंगर की मदद से ना प्लीट्स में बना रही हूँ, चौड़े करके प्लीट्स बना रही हूँ, इससे लुक जो आता है वो अच्छा आता है कॉटन सिल्क में। तो जो फर्स्ट लास्ट वाला प्लीट है उसको थोड़ा बड़ा रख के जो प्लीट्स है उसको मुझको अरेंज करना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेड कलर का एक साड़ी है। मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना पाई हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मेरा। तो मैं पिन कर रही हूँ यहाँ पे और उसके बाद जो प्लीट्स है उसको टकिंग करने के बाद मुझको इसको अरेंज भी करना है। तो इक्वल करके जो प्लीट्स है उसको इक्वल करके टकिंग कर ले। टकिंग करने के बाद जो लोअर वाला प्लीट्स है उसको अच्छे से हाथ से प्रेस करके थोड़ा थोड़ा करके लेके इसको बिठाना है, क्योंकि कॉटन सिल्क है तो ये थोड़ा टेंडेंसी है इसका, ये फुला हुआ रहता है। तो ये देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा करके मुझको एक एक करके प्लीट लेना है और इसके नीचे में इसको सही से बिठाना है। ये नहीं, वो इसको दोबारा से करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुआ है, इसको मैं दोबारा से फिर से करूँगी। ये देखिए गाइस, जब भी चल रहे हैं तो ये फिर से अपने प्लेस से हट रहा है, तो मुझको फिर से इसको करना। आप चाहे तो इसके लिए हॉट आयरन का या फिर आयरन का स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे प्लीट्स अच्छे से जम जाएगा। आई होप ये रहेगा अपने जगह पे अब सेटल होके। इसके बाद मुझको बनाना है प्लीट। तो प्लीट्स भी वैसे 3 फिंगर की मदद से अपना कर ले और ज़्यादा चौड़े ना बनाए, थोड़े नैरो बॉर्डर वाला रख के अपने प्लीट्स बना ले।
तो ये देखिए गाइस, ये मैंने प्लीट्स अपना बना लिया है और इसको सिर्फ अपने हाथ से अब सही करके मुझको पिनिंग करना है। जो प्लीट्स है, पल्लू के प्लीट्स है, उसको भी सही से अपने हाथ से जमा ले। और यहाँ पे मुझको एक पिन करना है, तो मैं इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ और थोड़ा मटेरियल भी छोड़ रही हूँ साड़ी का। तो ये देखिए गाइस, मैंने अपना प्लीट्स जो है उससे उसको हाथ से जमा लिया है और यहाँ पर अभी मुझको पिनिंग करना है। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके मुझको एक पिनिंग यहाँ पे कर लेना है। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, ऊपर वाला बॉडी है, वो बहुत टेंडर और स्लिमर लुक देता है। तो ये हो गया मेरा साड़ी ड्रिपिंग कंप्लीट। और प्लीट्स को फिर से एक बार अच्छे से बिठा लें। मैंने आज हार नहीं पहना है, थोड़ा अलग लुक मैं ट्राई कर रही थी। तो ये देखिए, जो बस्ट का ही एरिया है वो भी काफ़ी स्लिमर लग रहा है। और ये हो गया मेरा साड़ी ड्रिपिंग कंप्लीट। अब देख सकते हैं ये एक टॉलर लुक दे रहा है। और साड़ी का प्लीट्स फिर से डिस्प्लेस हो रहा है, तो मुझको फिर से इसको सही में करना है। तो थोड़ा ये कर ले, दो तीन बार अगर हम करेंगे तो प्लीट्स अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए, ये साइड वाला पोर्शन है, तो ये भी सुंदर लग रहा है। तो क्लाइंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और एक लाइक कर दीजिएगा आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियोस मेरा। थैंक यू गाइस एंड गुड नाइट, बाय।